चलो ठीक है, देखो देखो देखो, इसमें जो उस दिन की टॉपिक रह गई थी संवेग संरक्षक नियम, तो ये मैंने थोड़ा बहुत बता दिया था, अब इसके बारे में हम लिखवा देते हैं। इसमें लिखो दो वस्तुओं का कुल संवेग, दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में, अपरिवर्तनीय या संरक्षित होती है। हो गया तो मैं ढूंढ दूंगा। हो गया, क्या हुआ? ये क्या है? अपरिवर्तनीय नी, नी। ना पे बड़ी मात्रा बेटा, अपरिवर्तनीय जब मैं बोलता हूँ तो अच्छा, अपरिवर्तनीय या संरक्षित रहती है। संरक्षित मतलब क्या होता है? सेफ रहती है, ठीक है। टकराने से पहले जितनी एनर्जी है मतलब टोटल बाद में भी उतनी रहेगी, क्या? संवेग, ठीक है। लिख लिया हो तो आगे चले। देखो अब इसको हम समझाते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू। थोड़ा स्लो बेटा, आराम से। सपोज करते हैं दो पार्टिकल हमारे पास, एक बॉल ये है पहली बॉल, इसको हम बोल देते हैं सपोज करो ए, ब्लॉक ए है, और एक दूसरा ब्लॉक बी है। ये एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब ये मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं इसकी स्पीड कितनी है, यू ए। ए ब्लॉक की स्पीड क्या है? यू ए। यू मतलब होता है प्रारंभिक ना, इसका प्रारंभिक वेग यू बी ये होगा। इसका मास हम बोलते हैं एम ए है और इसका मास एम बी, ठीक है। अब अगर ये टकराएंगे एक दूसरे के साथ तो होगा क्या? मान लेते हैं ये स्टेज, इसके बाद ये कुछ होगी, टकराएंगे। अब ये टकराएंगे तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टच होंगे, तो ये तो ए ही रहेगा और ये बी ही रहेगा, बदल तो जाएंगे नहीं। अब ये टकराएंगे क्यों? क्योंकि हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं जो ए वाले की स्पीड है वो बी वाले की स्पीड से क्या है बेटा, ज्यादा है। अगर ये ज्यादा तेजी चलेगा या स्लो चलेगा तभी जाके टकराएगा, और अगर इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएगी तो टकराएगा ही नहीं, ये आगे निकलता चला जाएगा ना। तो जब ये टकराएगा तो उसमें होगा क्या, ए जो ए वाला है इस पे फोर्स लगाएगा, किस पे? बी पे। बी पे फोर्स एफ लगाएगा, और जो बी वाला होगा बेटा एक्शन रिएक्शन वाला, उतना ही फोर्स ये पे लगाएगा, ये बताया था। तो यहाँ पर लगा देते हैं, ये जो फोर्स ए के द्वारा किस पे लगाया गया? बी पे। और ये जो फोर्स बी है ये किस पे लगाया गया? ए पे, ठीक है। ये दोनों सुनाया। अब इसके बाद होगा क्या? अब क्या होगा, ये एक दूसरे की स्पीड क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। टकराने के बाद स्पीड बदल जाती है, ए वाले की कम हो जाएगी, बी वाले की ज्यादा हो जाएगी। तो इसकी स्पीड बाद में मान लेते हैं वी बी हो गया, ये वी बी मतलब बाद वाली ना, बाद वाली उपरांत। और ये बेटा ये हो जाएगा वी मतलब ए, ये ए का बाद वाला। देखो ए का प्रारंभिक था और ये अंतिम है, ये वी का प्रारंभिक है, ये बी का अंतिम है, ठीक है बेटा। अगस्त बेटा जी, हो गया समझा के बाद? ए वाला बी वाला, क्या कोई डाउट है इसमें? कुछ पूछ रहे हो? ठीक है, ऐसा हुआ है, ठीक है। टकराने के बाद अब देखो इसको हम बैलेंस करेंगे, मतलब देखो हमने अभी पढ़ा था न्यूटन गति के कितने नियम पढ़ा था? तीन न्यूटन के। पहला वाला नियम क्या था कि कोई भी ब्लॉक तब तक नहीं चल सकता जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दें, और अगर वो चल रहा है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स तब भी ना लगा दें रोकने के लिए। दूसरा ये था जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, संवेग परिवर्तन के रेट के क्या होता है, बराबर होता है। तीसरा था एक्शन और रिएक्शन वाला। तो यहाँ पे हमने जो बोला है संवेग संरक्षण में, यहाँ पे कुल संवेग, संवेग क्या होगा टकराने की प्रक्रिया में,
मतलब एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने से ये पहले था, ये के से पहले और ये टकराने के बाद है। इतना पहले लिख लो फिर आगे बताते हैं, नहीं दूसरा स्लाइड चेंज करना पड़ेगा। ये बना रहे सब बनाओ। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग अच्छा कहाँ शुरू की थी ये देखो, शायद मुझे लगता पहले से स्टार्टिंग बता देता था शुरू से। देखो स्टार्टिंग से तो क्या मैं यहाँ से बता देता हूँ, समझा देता हूँ पूरा। एक मिनट, कलर कौन सा लेगा जो सबसे अलग हो, येलो कलर कर देता हूँ थोड़ा सा पतला। चलो देखो, हमने कहा संवेग संरक्षण के नियम में ये रूल है कि अगर दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो जितना उनका प्रारंभ में इनिशियल में जितना उनका संवेग था बाद में भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि ये रूल है कि इनका जो संवेग है वो अपरिवर्तनीय होता है, मतलब सेव रहता है, सुरक्षित रहता है, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, बल्कि वो एक की स्पीड घटेगी दूसरे की स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे मैंने कहा दो ब्लॉक हमारे पास है, ये पहला ए है और ये बी है, इसकी स्पीड शुरू में क्या थी, यू थी, यू ए। आराम से वही रहो, शांति से पढ़ाई करो। देखो इनिशियल में इसकी स्पीड क्या थी बेटा, यू ए, इसकी यू बी। अगर इसकी मैं बात करूं, इसकी फाइनल में बाद में और इसकी, यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत? हमने इसके बाद बताया जो हमें पता है, यहाँ पे मैंने एक चीज ये लिख दिया कि यहाँ पे जब ये लिखा होगा यू के स्पीड ए वाले की स्पीड जब ज्यादा होगी तब ये टकराएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे चल रहा होगा, ये पीछे से आके धक्का देगा इसको, तो ये बीच में टकराने के एक मोमेंट में हमने ये इसका फोटो खींच लिया, जब वो सट रहे थे एक दूसरे के पास आ रहे थे तो कैमरे से फोटो खींचा, तो ये बनी स्टेज हमने देखा टकराने, फिर उसके बाद तुरंत ये दूर हो जाते हैं ना, ऐसे तो होता है जैसे कि तुम बैट लो उधर से कोई बॉल फेंके सामने से, तो बैट और बॉल के बीच में बैट बॉल तो जरा से जस्ट मिनट के लिए संपर्क होता है, सेकंड के लिए, जैसे टच होता है वैसे बॉल दूर चला जाता है किसी दूसरे डायरेक्शन में, बॉल की स्पीड और तेज हो जाती है ना, ऐसे होता है। हाँ, और हमारे जो बैट होता है उसमें भी मोशन आता है, क्योंकि जब बैट को आप घुमाओगे उसमें भी मोशन आएगा, तो वो चीज है। आगे देखो, तुम लोग उधर जाओ, तो वहां जाओ, आ रो बेटा उधर जाओ, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखो, यहां पे मैंने बताया ये हमने लिख दिया पीपी, मतलब होगा संवेग। संवेग को हम इस फॉर्मूले से लिखते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू मतलब द्रव्यमान इंटू वेग, उसका जो गुणनफल होता है जब मल्टीप्लाई करते हो तो हमें यहाँ से मिलता है संवेग। उसी फार्मूले से अगर मैं इसका संवेग निकालूं तो इसका मास एम ए था, इसकी वेलोसिटी यू ए था, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो इसका निकल गया। हम इसकी बात करते हैं तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, एम ये हो गया एम बी यू बी। अब हम इसकी बात कर लेते हैं, ये हो जाएगा एम ए यू वी वी ए और इसका एम बी वी बी। यहाँ तक कोई दिक्कत? चले आगे। चलो इसमें देखो, मैंने इसी को नेक्स्ट पेज पे लिखा, देखो उसी चीज को हमने यहाँ पे फिर से दिखा दिया। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं बीच वाले पोजीशन की, बीच वाले में जो एफ है फोर्स को हम लिखते हैं एफ बराबर एम इंटू ए, तो एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, ये हो जाता है ए। ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, हमने कहा अगर एम और ये बी माइनस यू देखें तो यही हमारा क्या होता है, पी होता है, समझा, ये तो पी होता था, अभी पीछे बताया था ये, लेकिन कौन सा पी होता है, चेंज इन पी, वेग संवेग में परिवर्तन होता है ना। तो यहां से हमने यहां पे देखा, इधर देखो एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा, तो एक जो राइट में लगेगा वो प्लस होगा, लेफ्ट में जो लगेगा माइनस होगा, इसका मतलब। और एक चीज हमने बताया था जो वो होता है फोर्स बेटा, एक्शन रिएक्शन क्रिया प्रतिक्रिया, उसमें बताता है जब एक ब्लॉक ये वाली ब्लॉक जितना इस पे फोर्स लगाएगी दूसरी वाली भी उतने ही इस पे लगाएगी, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये लिख दिया मैंने, ये इसके बराबर है। ये माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, क्योंकि अगर मैं दोनों बराबर लिख दूंगा एफ ए बी बराबर एफ बी ए, ये तो बराबर हो जाएंगे ना, लेकिन अगर दोनों सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो जुड़ जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे तो घट जाएंगे, क्योंकि देखो बेटा जो फोर्स होता है उसको मैंने बताया था सदिश राशि होती है, क्या ऐसी राशि होती है, सदिश मतलब जिसमें दिशा होती है, समझ रहा, इसलिए माइनस लगा दिया। अब चलो एफ ए बी, इस वाले फार्मूले से हमने एफ ए बी का लगाया, ए वाले ब्लॉक का, ए वाले पे इस पे फोर्स लगा, इसका मास लिखोगे बाद में, देखो ये बाद वाला स्पीड है, बाद में बी 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 ए था, देखो बाद में बी ए हो गया, माइनस शुरू में कितना था यू ए, ये लिख दिया, टाइम से डिवाइड कर दिया पहला वाला फोर्स, दूसरा वाला एफ बी हमने लिख दिया यहाँ पे, जाओ
दूसरा यहाँ लिख दिया, देखो एम बी लिख दिया, इसको मल्टीप्लाई बाद वाले से माइनस शुरू वाले से बटे टी, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, जाओ बेटा तो यहां से देख, जाओ तो यहां से देखो बेटा, हमने इसी को फॉर्मूले जो यहां पे लिखा यहां पे इसके वैल्यू रिपोर्ट कर दीजिए वाला, ठीक है। तो इसका तो वैल्यू यहां पे हो गया एम ए वी ए माइनस यू वी बाई टी, इस वाले का माइनस एम बी वी वी माइनस यू वी बाई टी, ये फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें इसको बस काटना था, हमने कहा टी नीचे लिखा, टी टी से कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दिया एम को, एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया एक बार इससे कर दिया, तो ये समझाया, ये समझाया, मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसको मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ये माइनस कहाँ से आ गया, क्योंकि ये माइनस था, हमने सिर्फ एम बी को मल्टीप्लाई किया है, तो ये एम बी हो गया। अब बाद में हम इस माइनस को भी क्या कर देते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। अब हम ये चाहते थे हमें कहीं माइनस साइन ना दिखे, जिससे हमें याद करने में तकलीफ ना हो, इसलिए हमने सबको प्लस बनाना चाहा, तो ये जो माइनस वाला था बेटा इसको हम इधर लेके चले गए, और ये जो माइनस वाला था इसको इधर लेके आए, तो हमने रीअरेंज किया तो ये इधर आ गया एम ए वी ए एम बी वी वी और एम ए एम यू और एम बी यू बी, ये समझ आ गया। बस इतना सा किया था मैं, इसको यहाँ से एक दूसरे फॉर्म में लिख देता हूँ, जैसे देखो थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पर जोर दे रहा हूँ कि आप समझ जाओ अच्छे से, ठीक है। देखो ये ए वाला ब्लॉक था, ये बी वाला ब्लॉक था, अब मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा, टकराने के बाद ये दोनों अलग अलग हो गए, ये ए वाला रहेगा ये बी वाला ही रहेगा, शुरू में इसका स्पीड यू ए था, शुरू में इसका स्पीड यू बी था ना, बाद में इसका स्पीड यू वी ए हो जाएगा और इसका स्पीड बी वी हो जाएगा, समझ में आ गई बात। अब हमने जो फार्मूले बताए, जो रीअरेंज करके हमने क्या निकाला, जो मास ऑफ ए था उसका मल्टीप्लाई करोगे यू ए से, प्लस में इसका देखो मास था इसका बी, मल्टीप्लाई करोगे यू बी से, बराबर ये आ रहा था एम ए इंटू में बी ए प्लस में एम बी इंटू बी बी, यही था। यस सर, बस ये फार्मूला निकल के आया, अब ये याद कर लोगे। यस सर, कुछ करना नहीं है, बस मल्टीप्लाई करते जाओ और उनके साइन को जोड़ते जाओ। देखो इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा, इसको यहाँ, इसको यहाँ, बताओ एम और यू को मल्टीप्लाई क्या होता है, यही तो पी होता है, मतलब ए वाले का पी, पी मतलब संवेग, और इस वाले का भी संवेग, ये बी वाले का, और ये भी क्या है पी वाले, ए वाले का संवेग, ये भी क्या है बेटा पी वाले का संवेग, लेकिन ये बाद वाला है, क्या है बाद वाला, ए भी बाद वाला है लेकिन ये शुरू वाला है, और ये भी बेटा शुरू वाला है, यू मतलब प्रारंभिक हो गया बाद वाला, ठीक है, समझ में आ गई बताइए, फार्मूले हो जाएंगे। अच्छा ये दिमाग में आ रहा होगा, ये जरूरी थोड़ी हो सकता है, ये वाला जो बेटा ब्लॉक है अगर इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में, तब तो स्पीड हो गई, यहाँ पे यू ए ग्रेटर देन यू बी था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है एक ब्लॉक इधर से जाए एक ब्लॉक इधर से जाए, तब भी तो टकराएंगे ना, तो उस वाले केस की बात कर लेते हैं। एक बार ये पिक्चर बना के ये फार्मूला लिख लो, जिससे से याद हो जाए, इसके नीचे ये करके ऐड करना, सीधे सीधे लिख लो, देखो इसको याद करने का एक तरीका मैं और बता देता हूँ, वो और आसानी से, तो और हमारा काम ही याद करना, तो हम चाहेंगे जितना आसान हो सके उतना ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट। देखो अगर मैं ये बोल दूँ ये पहला ब्लॉक था, ये क्या था पहला, और ये दूसरा ब्लॉक है, ये टकराने के बाद पहला ही रहेगा, ये दूसरा ही रहेगा बेटा, इसकी स्पीड इधर, इसकी स्पीड इधर, इसकी स्पीड इधर, इसकी स्पीड, ठीक है। ये मान लेते हैं इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो ए m1 रहेगा, ये m2 रहेगा, इसकी स्पीड इनिशियल में u1 बोल दिया, इसकी u2 बोल दिया, शुरुआत है, ये बाद में इसका वन हो गया, इसका बाद में टू हो गया। तो हमने जो फार्मूले निकाले उसमें क्या क्या, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, जोड़ दिया, ये वही बन जाएगा आसान। जैसे तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैं इसको यहाँ कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर आ जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ छोटा सा, देखो आ जाए, इसको लिखता हूँ पहले, इसको मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा एम वन यू वन प्लस में इसको क्या करेंगे एम टू यू टू, ये बराबर हो जाएगा देखो एम वन वी वन प्लस में एम टू वी टू, अब कोई दिक्कत, ये तो और आसान हो गया, क्योंकि ए बी में हम कन्फ्यूज होते हैं, हमने वन कर दिया, ये देखो इधर सिर्फ वन वन टू टू, वन वन टू टू, इधर सिर्फ यू रहेगा इधर सिर्फ वी रहेगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट स्टेप चलते हैं, एक बार ऐसे क्वेश्चन अगर सपोज करो आते हैं तो
इसकी स्पीड इधर हो गई, ये U1 है शुरुआत में, ये पहला ब्लॉक है और ये दूसरा ब्लॉक है, इसकी स्पीड इधर U2 है, समझ आएंगे। इसका मास हमने मान लिया M1, इसका मास बोल दिया M2। अब ये टकराएंगे, अब ये टकराने के बाद पहला और दूसरा एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, सपोज करते हैं, अब मैं नहीं कहता चिपक जाएंगे नहीं चिपकेंगे, अलग चीज़ है, सपोज करो एक दूसरे के साथ चिपक गए। अब ये दोनों इधर भी जा सकते हैं या फिर इधर भी जा सकते हैं, रुकेंगे क्यों? दो चीज टकराएंगे बेटा, उनकी एनर्जी कहाँ जाएगी? अगर वो दोनों स्टील बॉल लो, ठीक है, दोनों केस आएंगे तुम्हारे पे ना, जैसे कि अभी अभी क्वेश्चन करवाएंगे उस पे। हमें बस ये देखना है अगर दोनों सेम डायरेक्शन में आते हैं तो क्या होता है, या फिर मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर तुम्हें नहीं, मैं अभी चिपकाता नहीं क्योंकि वो वाली चीज हम क्वेश्चन में देखेंगे, अभी बस ये वाला कॉन्सेप्ट समझो। तो ये मान लो गया हो गया पहली वाली है और ये दूसरी वाली है, तो ये देखो इससे टकराएगा तो ये हो सकता है इधर चला जाए और ये टकरा के इधर चला जाए, ऐसा हो सकता है। अरे दो बॉल आपस में टकराएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे टकराने के बाद, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, इसका फाइनल वी वन इसका वी टू हो गया। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूं एम वन यू वन, प्लस लगा दो माइनस लगा दो, अभी बाद में देखते हैं। यू टू हो गया, इसमें भी क्या हो जाएगा एम वन वी वन और ये एम टू वी टू। अब ये वाला दूसरा वाला, हम पहला वाला कंडीशन लिखते हैं। देखो पहला वाला कंडीशन जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ये फर्स्ट था ये सेकंड था, टकराने के बाद ये फर्स्ट था ये सेकंड था, हम कंपेयर करेंगे ना बेटा। तो यहां पे देखो थोड़ा सा यार ये ज्यादा मोटा पेंसिल है, इसको हल्का करते हैं। देखो तो ये हो गया, इसको हमने बोला था क्या पहला वाला था, ये तो वही चीज है एम ऑन ह्यूमन ए बी ए बी, लेकिन इसकी डायरेक्शन हम डायरेक्शन समय मतलब है इधर था, इसकी भी डायरेक्शन इधर थी, ये भी इधर जा रहा था ये भी इधर जा रहा था, ये क्या था U1 U2 V1 V2। तो हमने फार्मूले देखो, जब से इधर देखो, जब इधर जा रहे हैं तो सब में हमने क्या कर लिया प्लस, ये हो गया M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर M1 V1 प्लस में M2 V2, क्योंकि इनकी साइन कहीं भी कहीं चेंज नहीं हुए, उधर ही जा रहे हैं, माइनस आने का कोई चांस नहीं। अब यहाँ पे देखो, लेकिन जब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए तो ये देखो इधर जा रहा है इसलिए हमने प्लस कर दिया, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन इसलिए माइनस हो सकता है। यहाँ पे देखो ये इधर जा रहा है निगेटिव में, तो ये निगेटिव कर देते, ये प्लस आ रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत? अगर इधर जाएगा तो हम माइनस कर लेंगे, इधर जाएगा तो हम प्लस कर लेंगे, सेम तो है कहाँ ऐसे, इसमें देखो सब जगह प्लस प्लस है, हमें साइंस मतलब था क्योंकि साइंस से क्वेश्चन बदल जाएंगे बेटा। ठीक है चलें आगे, अब न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं, सीधे मैं लिखता हूँ वहां पे, आप देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा तेज लिखेंगे और आप भी थोड़ा सा अच्छे बच्चों की तरह होशियार बनकर फटाफट काम नोट करते चलो। तो यहाँ पे आपके उदाहरण ये है क्वेश्चन के, तो मैं सीधे क्वेश्चन लिखता हूँ, कौन सा क्वेश्चन है वो आप देखना। 2 kg 2 kg के एक पिस्टल से 2 kg के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज बेग से छोड़ी जाती है, क्यों लिख नहीं रहे बेटा, नहीं इसको बोल रहा मन नहीं कर रहा, इतना मेहनत करके कॉन्सेप्ट सीखो क्वेश्चन पे अप्लाई करके देखो तुमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं, ये तो दिक्कत है। पिस्टल के पीछे हटने के बेग का परिकलन मतलब होता है गणना, कैलकुलेट
परिकलन करें। ये बेटा आपके क्वेश्चन है और मैंने जो समझाया उसके बेसिस पे आप ट्राई करो, देखो थोड़ा सा बनता है आपका। क्या बेटा? पीछे हटने के बेग का परिकलन करो, मतलब कितने तेजी से बंदूक पीछे जाएगी ये बताना है आपको। क्या बोल रहे हो बेटा? चलो मैं बनाऊं, देखो एक बार देखो। सपोज करते हैं ये बंदूक है, बंदूक को मैं कैसे बनाऊं? मैंने देखो बी मतलब हो गया यहाँ पे, बी नहीं लिखता हूँ, गोली टाइप बनाता हूँ, इसका मतलब बंदूक है। देखो ये जी, जी फॉर गन, और गोली को हम लिख सकते हैं बी, बी फॉर बॉल, बॉल की जगह गोली समझो, ठीक है? बुलेट, बुलेट ही कर लेते हैं, गोली बुलेट हो गई, ठीक है? अब देखो जब बंदूक भी रखी है, गोली भी रखा है, तो दोनों का इनिशियल स्पीड क्या होगा? जीरो ही होगा। जब बंदूक में गोली रख लोगे, बंदूक रख लोगे, थोड़ी अपने आप हिलने लगेगी गोली डालते ही, तो उसकी स्पीड इनिशियल में क्या हो जाएगी? सबसे पहले हम इसकी M1 देखते हैं। इसका हो गया M1, इसका बेटा क्या हो गया M2। M1 की मुझे वैल्यू बताओ और M2 की वैल्यू बताओ। मास, ये देखो 2 kg किसकी है? पिस्टल की है, तो पिस्टल ये कितना है? 2 kg। जो गोली है उसकी बताओ, 20 ग्राम, ये ग्राम है बेटा, इसको हम करेंगे किलोग्राम में, क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम है तो इसकी भी किलोग्राम में आनी चाहिए। तो अगर 20 में हम क्या यहाँ पे कर देते हैं, 20 में हम किससे डिवाइड करेंगे? 1000 से, तो किलोग्राम बदलेंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 100 से 2 में डिवाइड करोगे 0.02 क्या हो जाएगा? किलोग्राम। अब ये टकराएंगी इनिशियल में, क्या है इनकी स्पीड? U1 भी 0 है, U2 भी 0 है, क्योंकि इनिशियल में कोई हिलेगा तो डुलेगा नहीं। अब जब बंदूक से गोली निकलेगी, गोली तो आगे जाएगी और बंदूक पीछे आएगा, तो देखो ये हो गया गन, ये हो गया बुलेट, बुलेट तो आगे जाएगी, गन पीछे आएगा, समझ में आ गई बात? अब ये कितना आएगा ये हमें बताने की जरूरत है, देखते हैं। क्या बेटा कुछ कह रहे हो? हाँ करते हैं, एक मिनट मैं लिख दूं। ये गन की स्पीड, यहाँ पर सबसे पहले देखो गोली की स्पीड कितनी दे रखी है, 150, ये इतने से भागती है, तो ये मुझे बताओ ये बाद वाली होगी B2 होगी ना, और ये V1, यही तो निकालना है, ये कितनी स्पीड से आएगा? निकालो फॉर्मूले लगाओ, बताओ मुझे ये कितने स्पीड से पीछे जाएगी, इसको बताना है हमें। टाइम लगा दूं? 2 मिनट लगाता हूँ, आप आराम से करो। क्वेश्चन देखो बहुत अच्छे हैं, पेपर में आने के चांस पूरे पूरे हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो होते हैं जो बच्चों को डराने के लिए भी तो आएंगे, तुम जैसे क्वेश्चन अगर नहीं पढ़ पाओगे तो हो गया अपने हम करो, क्या दिक्कत है? अच्छा तुमने नोट्स बना रखा है? हाँ कोई ना, पढ़ाई करो यार, ट्राई करो, ट्राई, नींद उदा है ना एक थप्पड़ मार लो खुद को। मन हमेशा चाहता है कि तुम काम मत करो, काम मत करो, अच्छा नहीं है, पढ़ाई करना बेकार है, लेकिन उसको समझाओ। अरे वो वही कह रहा हूँ, पढ़ाई के टाइम पे सारी बीमारी आती है, अभी पढ़ाई छोड़ दो उसके बाद देखो कोई बीमारी नहीं रहेगी। अरे पढ़ाई आसान चीज होती तो सब नहीं कर रहे होते, सब टॉप नहीं करते। जैसे
धीरे धीरे प्रैक्टिस में, मैं देखो कल या परसों मैं एक दिन बता दूंगा पढ़ाई करेंगे कैसे, ठीक है, धीरे धीरे कैसे हैबिट में लाएंगे, तो वो चीज है। नहीं मैं बता दूंगा, और मैं ना वीकली वाली रिपोर्ट मांगूंगा आपसे, आपने कितना पढ़ाई किया मैं हफ्ते में जमा करूंगा आपकी, तो उस हिसाब से आप टिक करोगे, जिस दिन पढ़ाई करके आओगे उस दिन टिक करोगे, जिस दिन नहीं करोगे उस दिन कट करोगे, तो वो मेरे साथ रहेगी। तो मैं बताऊंगा कल, कल या परसों बताता हूँ आपको पूरी स्ट्रेटजी कैसे पढ़नी है उस हिसाब से। मुझे याद दिला देना एक बार। आए किसी के टाइमिंग तो खत्म हो गया।
कर दिया आप करो, लगता है यार वो गॉड। हाँ सुन के नहीं देख सकता ना उसको, जब तक रिकॉर्डिंग खत्म नहीं जाएगी तब तो एक बार मैं फिर समझा देता हूँ, अगर हुआ होगा तब भी, नहीं हुआ होगा तब भी। बच्चों को मैंने टाइमिंग दिया था यार किसी में, पता नहीं उस चक्कर मुझे लगता है कि आवाज चली गई है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन में ना टाइमिंग दिया था, इसमें दिया था दूसरे वाला दिया था। अच्छा एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, अगर आवाज आ गई होगी तब भी दूसरा समझ लो, क्या कर सकते हैं यार दिमाग से हट गया। चलो कभी आवाज रुक जा रही है कभी रिकॉर्डिंग पता नहीं चल रही है, हो गया। चलो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ यही क्वेश्चन दोबारा, देखो एक बार तो क्वेश्चन आपने कर लिया, अब मुझे बस समझाना है तो समझाने में कितना टाइम लगेगा। हमने कहा कि एक 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक लड़की है, लड़की का द्रव्यमान कितना बेटा 40, उसमें 5 मीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से, मतलब उसकी इनिशियल स्पीड कितनी देखे 5 मीटर पर सेकंड वेग से, ठीक है। 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली स्थिर गाड़ी, जो गाड़ी है उसका मास 3 किलोग्राम है, स्थिर मतलब वो रुकी हुई है, ये समझा गया। हमें दो चीज से मतलब होता है, उसकी मास कितने हैं, कितने वजन का है और वो कितने स्पीड से चल रही है, दो चीजें हमें निकालना होता है। तो ये देखो इसके बाद जब आप चलाओगे, जैसे ये गाड़ी थी ऐसी गाड़ी थी, स्केटरिंग वाला मैंने बताया, स्केटरिंग बोलते हैं क्या बोलते हैं, हाँ जो भी है, तो उसमें जब चलते हैं बच्चे उसमें स्लाइड करते हैं पैर को और उस पर पैर रखते हैं और ये साथ में भागते हैं, तो जब आप बेटा पैर रखोगे तो आपकी जो गाड़ी होगी और आप एक साथ चलोगे, तो मैंने दोनों का स्पीड कॉमन ले लिया जिसको हमने बोल दिया जी, समझ में आ गया था। और हमने बताया जब दोनों एक साथ चलेंगे मतलब इन दोनों का वजन बढ़ जाएगा, गाड़ी की भी वजन हो जाएगी और लड़की का भी वजन हो जाएगा, इसलिए M1 की वैल्यू 40, M2 की वैल्यू 3, जोड़ के हमने बोल दिया टोटल 43 आ गए। अब बस इसके बाद हमने फार्मूले लगाए, फार्मूले क्या लगाया, हमने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे, 40 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 3 का 0 मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 43 का बी में मल्टीप्लाई कर दिया, यहां तक हो गया। इसके बाद हमने कहा सॉल्व कर लो, तो 4 + 5 कितना होता है 20, 20 का मतलब 200, ये तो कट जाएगा कोई मतलब नहीं है 0 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे ये डिवाइड मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ डिवाइड कर दिया, तो 200 में 43 से डिवाइड करोगे तो आपकी जो स्पीड आएगी वही होगी 4.65 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब आप गाड़ी और तुम कितने से भागोगे, 4.65 मीटर पर सेकंड से, समझ में आ गई बात। चलो अब अगर आपने आवाज वहां पे आई होगी तब भी ठीक है, नहीं आई होगी तब भी ठीक है, अब दो बार मैंने बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, एक लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आज खत्म करते हैं इसको, इसके बाद ये चैप्टर आपको कम्प्लीटली खत्म हो जाएगा, तो बस रह जाएंगे आपके एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के तब बताएंगे जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तब, उस समय, अभी तो जितना बता दिया यही कर लो यही बड़ी बात है। चलो तो इसमें क्वेश्चन नंबर कितने हो गए, 2 हो गए ना बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 3 से लिखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखो, हॉकी की, हॉकी प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी टीमों के, अभी सारा चीज समझाते हैं क्या क्या नहीं, टीमों के 2 खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी गेंद को हिट करने के प्रयास में, हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं, परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में एक मिनट में आवाज चेक कर लूं, आ रही है, आपस में उलझ जाते हैं गाड़ी का द्रव्यमान, पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान 60 किलोग्राम तथा वह
5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति में था। आगे लिखो, जबकि दूसरा खिलाड़ी देखो इसमें क्वेश्चन ही केवल लंबे चौड़े लिखे होते हैं, सॉल्यूशन देख रहे हो, एक लाइन दो लाइन में से आ रहा है। द्रव्यमान 55 किलोग्राम है तथा वह 6 मीटर पर सेकंड की वेग से पहले खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था। टकरा कर उलझने के बाद वे दोनों किस दिशा में किस वेग से गति करेंगे। अब यहाँ पे एक वो दे रखा है, मान लें कि दोनों खिलाड़ियों के पैर तथा पृथ्वी के बीच कार्यरत घर्षण बल नगल है, मतलब वहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो जीरो है। इसका मतलब अगर वो टकराते हैं तो ये नहीं कि वहीं गिर के वहीं रह जाते हैं, तो वो भागेंगे दौड़ेंगे कुछ भी करेंगे, उसको रुकावट वाला कोई चीज़ है नहीं। बस वो मैं नहीं लिख रहा, बस इतना समझ लो। इतना पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो लंबा चौड़ा है ही है लेकिन कुछ है नहीं, बस आप सॉल्व करो आंसर लाओ बस। एक मिनट, हाँ वो करते हैं, पहले लिख लो क्वेश्चन। चले बेटा, अब देखो क्वेश्चन लिख लो पहले आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। चले बताएं, लिख लेते हैं बच्चे। ट्राई करोगे क्या? यस सर। टाइम दो मैं कह रहा हूँ। क्या हो गया? नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं तो कर लूंगा। चलो 2 मिनट टाइम देते हो आप, तब तक कुछ ट्राई करो। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग नहीं बताना है, करो 2 मिनट का टाइमिंग है, करो क्वेश्चन वगैरह कुछ तो बनाओ बेटा, देखो क्या है। ऐसा कुछ खास नहीं, क्वेश्चन पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आएगा। इक्वेशन बना लिया? यस सर। चलो ठीक है। Thank you.
करो, 8 बज गए। हुआ बेटा, बन गया। चलो इधर देखो, जिसके बने, किसी के बना। चलो अच्छा, आप मैच कराओ, देखो क्वेश्चन वगैरह सही लिखे हो कि नहीं लिखे हो, आवाज वाली सही नहीं। चलो एक मिनट यार, नहीं पैर सब कुछ ठीक है। देखो कलर अच्छा व्हाइट वाला और जो येलो कलर वाला वो सारी चीज यहाँ रेड में करता हूँ। देखो यहाँ बोला गया हॉकी की प्रतिद्वंदी टीमों के दो खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी बेटा, दो खिलाड़ी, और हमें इनसे लेना कुछ देना नहीं है, हमें तो बस वेलोसिटी ढूंढना है, मास ढूंढना है, कहाँ मिल जाए उन्हें खत्म करना है। तो ढूंढते हैं, खिलाड़ी दो गेंद को हिट करने के प्रयास में परस्पर टकरा जाते हैं, सही है। दो खिलाड़ी में बना दो, ये पहला वाला खिलाड़ी है, ऐसा मैंने बनाया, ठीक है, और ये क्या खेल रहे हैं, ये हॉकी खेल रहे हैं, ठीक है, एक इधर से और एक इधर से, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, दोनों यहाँ पर देखो, बोला परस्पर टकरा जाते हैं तथा आपस में उलझ जाते हैं, टकराए, अब टकराने के बाद क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ चिपक जाएंगे, ये भी एक दूसरे से गले लगने लगे, सपोज करो ऐसा। अब देखो टकराने के बाद, अब इसमें कुछ चीजें दी, क्या दिया है, पहले खिलाड़ी, पहला वाला ये है और ये दूसरा वाला है, ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला है। पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान कितना है बेटा, 60, हमें तो बस इसी से मतलब था, इसी को तो ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ खोए पड़े हो, 60 ये हो गया, और इसकी जो स्पीड थी कितनी थी, 5, दूसरा चीज मिल गया हमें मीटर पर सेकंड, ठीक 5 हो गया, वेग से गति में तथा, जबकि दूसरा वाला खिलाड़ी आजा भाई कितने का है, 55 केजी, और इसका जो वेग है कितना है बेटा, 6 मीटर पर सेकंड, और ये देखो यहाँ पे लिखा गया बेग खिलाड़ी की ओर गति कर रहा था, मतलब एक दूसरे की ओर चल रहे थे तभी तो टकराएंगे, अब वो दूसरा उधर भाग रहा है, ये धीरे धीरे चल रहा है तो कहाँ टकराएगा, क्योंकि ये देखो 5 है, 5 वाला छोटा है स्पीड ना, इसका ज्यादा है, तो एक दूसरे को अपोजिट में आना पड़ेगा टकराने के लिए, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। अब वो लगे टकराने के बाद दोनों किस दिशा में जाएंगे, अभी हमें दिशा नहीं पता है, तो इसके लिए देखो दिमाग लगाना पड़ता है, देखो देखो अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए अच्छे से देखो, मैंने कहा अब टकराने के बाद हमें क्या बताना है बेटा, बेग बताना है, सॉरी दिशा बताना है, और कितने बेग से जाएंगे ये बताना है, फाइनल में दोनों चिपक जाएंगे तो 20 से जाएंगे, लेकिन हमें पता नहीं किधर जाएंगे, ये इधर भी जा सकता है और ये इधर भी जा सकता है ना, लेफ्ट राइट किधर भी जा सकता है, हम ऐसा मान लेते हैं कि हमारा इधर जा रहा है प्लस वाले डायरेक्शन में, ज्यादातर हम प्लस वाला लेते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते ना हमारा माइनस आए, हम प्लस वाला लेना चाहिए। अब इसको मैं दूसरे पिक्चर पे ले चलता हूँ ना, क्योंकि वहां सच चीज बनाते, तो साइन वाला समझ आया, चल यहाँ पे मैं करता हूँ, देखो ये पहला वाला खिलाड़ी है और ये दूसरा वाला खिलाड़ी है, ये एक दूसरे के डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये एक दूसरे से टकराएंगे, सपोज करो टकराने के बाद ये एक दूसरे से चिपक गए, अब चिपकने के बाद ये इधर जा रहे हैं, ये हटा के मैं डायरेक्शन लगाता हूँ सीधे से, ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, ये इधर जा रहे हैं, ठीक है बेटा डायरेक्शन देखो। अब मैं इसमें कुछ चीजें दे रखी है, क्या दे रखा है, इसका एमोन कितना दे रखा है मुझे बता दो, 60 किलोग्राम, ठीक है बेटा, एम टू बता दो, 55 है, सही बताना कहाँ पे, कुछ
60 और 55, ठीक बेटा। इसकी स्पीड मुझे बता दो, U1 5 मीटर, U2 बता दो मुझे 6 मीटर, और ये कितने जाएंगे वो बता दो हमें, ये तो हमें निकालना है, तुम क्या बता दो, ये तो निकालना है। अब हमें M1 और M2 देखो दोनों एक साथ हो जाएंगे, तो M1 प्लस M2 एक साथ हो जाएंगे ना, क्योंकि मास तो एक हो गया। हमें कुछ नहीं, आदमी को गोला बना देना होता है हमेशा से, हम मान लें एक हम आदमी क्या ही जिम करें, दिमाग ज्यादा लगा, एक गोला ये एक गोला ये, एक दूसरे को और आ रहे थे, ये M1 मास था ये M2 मास था, एक दूसरे के साथ टकराए, टकराने के बाद ये गोले दोनों एक साथ चिपक गए, चिपकने के बाद घर जाने लगे, M1 था M1 तो दोनों चिपक जाएंगे, तो M1 प्लस M2 हो जाएगा, सही है वही चीज़ है और ज्यादा कुछ नहीं। अब देखो M1 प्लस M2 था कितना हो जाएगा, ये 60 है 55 जोड़ो, ये हो जाएगा 5 6 5 11 115 क्या किलोग्राम। अब बस इसके बाद हमें कैलकुलेशन करना होता है, मैं नीचे वाला मिटा दूं गोले को, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो मैं थोड़ा सा कलर भी चेंज कर लेता हूँ जिससे अच्छे से दिखे। चल देखो हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 × 5, सही है। अब देखो ये 55 × कितना हो जाएगा 6 55 × 6। अब यहाँ पे देखो ये इधर जा रहा था इसलिए प्लस लिया हमने, लेकिन ये इधर जा रहा है इसलिए क्या लेंगे माइनस, सही है। अब ये बराबर किसके हो जाएगा, देखो ये हमने बोला है इधर जा रहा है इसलिए क्या लेंगे इसको प्लस, तो मतलब हो जाएगा 115 × V, V तो हमें निकालना है, ये V है, U मत समझ लेना, समझ में आई बात। अब इसको सॉल्व करना है तो 5 6 कितना हो जाएगा बेटा 300 ना, माइनस करो तो 5 5 6 30 तीन, 5 6 30 3 33, ये कितना हो जाएगा बेटा 115 × V, सही है। इसको घटाओ तो 330 में से 300 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस 30, ये कितना हो जाएगा 115 V, सही है। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में है तो घर जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, तो V की वैल्यू यहाँ लिखेंगे माइनस का 30/115। अच्छा मुझे बताओ ये कैलकुलेशन करने के बाद कुछ भी है तो क्या जिधर हमने सोचा था डायरेक्शन इधर ही होगा, क्या उधर आ रहा है इसका मतलब? देखो यहाँ पे हमने सोचा था ये हमारे प्लस में आएगी अगर हमने लिया था, लेकिन हमने देखा तो यहाँ पे माइनस आने लगी, इसका मतलब जो तुमने माना था उधर नहीं डायरेक्शन, ये दोनों टकराने के बाद इधर जाएंगे, तो बस क्लियर हुई सबको, क्योंकि जब यहाँ पे माइनस आने लगा इसका मतलब जो तुमने माना था वो गलत माना था, तभी तो पॉजिट आ गया। अगर हमने माना होता इधर जाएगा, अगर हमने इधर माना है तो हमारा प्लस आना चाहिए था, लेकिन उसने कहा यहाँ माइनस आ रहा है इसका मतलब ये इधर जाएंगे लेफ्ट डायरेक्शन में, समझ आई बात। अब इसको सॉल्व करके मुझे बताओ कितना आ गया, 30 में 115 से डिवाइड करो कितना आया बताओ, सबसे पहले तो माइनस लगाएंगे पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 300, 300 में 115 से डिवाइड करो, करो यहां कर लो 300 में 115 से डिवाइड करो तो दो बार जाएगा, 2 5 10 कैरी 1 11 2 22 1 23 जीरो जाएगा, 10 में से 3 जाएगा बेटा 7, 170 आ गया। अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा पॉइंट भी लगाया, बता रहे थे क्या कह रहे हो, अच्छा वो तो कैरी चला गया था ना, तभी तो मैं भी कहूँ। चलो देखो अब ये 70 में से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट जीरो आएगा ना, जीरो तो आ रहेंगे, तो अब मुझे बताओ क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा रखा था इसलिए ये जीरो पॉइंट करके था, ठीक है। तो कितनी बार जाएगा, 11 टेबल पढ़ो, 70 से कम आना चाहिए, तो 11 5 55 होता है, 11 6 66, तो अगर 5 5 कितना होता है 25, मैं अगर मैं 5 बार ले जाता हूँ तो 5 5 25 हो जाएगा, कैरी 2 ना, तो 11 5 55 55 में 2 जोड़ेगा 57, ये तो ये हो सकता है। अगर मैं 6 बार ले जाता कितना हो जाता, 5 6 30 3 ना, 11 6 66 में 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 67, हाँ इसका मतलब ये नहीं ये आएगा, मल्टीप्लाई मैंने सही किया, एक बार जोड़ लो, नहीं 69 आएगा क्या, 11 6 66 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक तो हिंदी इंग्लिश तो सॉरी क्या लिख रहा हूँ बोल क्या रहा हूँ 69 ना,
69, तो यहाँ जीरो हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा, 1 बचेगा, तो ठीक है। तो इसका मतलब ये सिर्फ इतना लग दो टू डिजिट तक, माइनस 0.26 क्या मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर। ठीक बेटा, किसी को कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत, प्लस माइनस तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, 9th 10th में आ गए हो, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत है जहाँ पे मैंने प्लस माइनस कर रहा हूँ? एक बार मैं लास्ट में सारा रिवाइज करवा देता हूँ जो अभी तक मैं बताया, आप लिख लो पहले, यहाँ तक लिख लो, सभी लिख लो पहले, फिर उसके बाद मैं एक साथ रिवाइज करवा देता हूँ जो आज मैंने बताया, कॉन्सेप्ट को एक साथ लिख लो। ये डिवाइड वाला पोर्शन मत लिखना, ये वाला, क्योंकि ये तो आपको करना है, सिर्फ ये आंसर लिख लेना, इतना आ गया। और ये पेड़ हो गया बेटा? यस सर। देखो ये बुक वगैरह सबने ले लिया है, yes, तो इसलिए इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन करना, और जो उसमें प्रॉब्लम आती है वो मेरे से पूछते रहना बीच बीच में, ठीक है? okay, ये होमवर्क हो जाएगा आपका। सबके पास बुक है ना? तुम्हारे पास है? yes, तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी है, सबके पास है, तो इसलिए आराम से करना, ज्यादा नहीं, 2-3 क्वेश्चन करो पहले, सबसे पहले जितना मैंने बताया उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि वो जब से अच्छे से आ जाएगा तब क्वेश्चन पे तुम्हारे हाथ बन जाएंगे। एक बार देख के करो, एक बार बिना देखे करो। नहीं नहीं शांत रहो, मछली उछली रानी बाद में बनेंगे, पहले किताब हम बनाओ। लिख लिया बस, आप हमारे रिवाइज करवाते हैं तो छोड़ देता हूँ। देखो हमने दो ही केस बताए इस थ्योरम संवेग संरक्षण के नियम, इसमें बताया जो प्रारंभिक में, मतलब जो शुरू में उसका क्या था, संवेग था, बाद में भी उतने ही होने चाहिए, यानी उसका अगर परिवर्तन की बात करें तो वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। देखो यहाँ पर देख लेते, ये पहला ब्लॉक था M1 मास का, ये दूसरा ब्लॉक था M2 मास का, इसकी इनिशियल में स्पीड U1 थी, इसकी U2 थी। अगर ये टकराते थे, टकराने के बाद एक दूसरे के साथ कुछ मोमेंट के लिए चिपकते थे, तो यहाँ पे ये वाला फोर्स इस पर लगाता था, ये वाला फोर्स इस पर लगाता था। इसके बाद होता क्या था, ये दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हो बदल जाते थे, किधर भी जाते। सपोज करो ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, तो इसकी स्पीड थोड़ी धीमी हो जाएगी, इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर ये हो जाएगा V1, ये हो जाएगा V2, ये हो गया बेटा M1, ये हो गया M2। समझ में आ गई बात? इसके बाद हमने जो फार्मूला निकाल के 3-5 करके अपना दिमाग लगाया, वो यहाँ से निकला M1 U1, ये M2 U2, और ये हो गया M1 V1, और ये कितना हो गया M2 V2 है, ये V2, ठीक है बेटा? तो इसको आपस में जोड़ दो, तो ये इसके बराबर हो जाता था, ये पहली वाली होगी, ठीक है? लेकिन अब हम इसके साइन में चेंज करते हैं। अगर मैं इसको इधर कर देता हूँ, ये हटा के, और ये हटा के ये इधर कर देता हूँ, तो जहाँ जहाँ देखो, जब जब इधर होगा इसका मतलब माइनस कर देना, जब जब इधर होगा तो प्लस कर देना, तो ये देखो कोई चेंज नहीं है, इसलिए प्लस रहेगा M1 U1। ये देखो इधर हो गया इसलिए माइनस हो जाएगा M2 U2 बराबर। ये देखो इधर हो गया इसलिए माइनस हो जाएगा, सही है? ये देखो इधर आए तो ये प्लस में ही रहेगा M2 V2। बस यहाँ पे किसी कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हारा आज का यहाँ पे हो गया, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ यार, मैं लास्ट वाला लगा दे दूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग वाला ना, इतना अच्छे से मेहनत करके देख रहे हो, ये बड़ी बात है।